फोर्स अपॉन लेंथ, एंड एट द एंड आती है डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। उसके बाद में इम्पल्स, क्या था इम्पल्स? फोर्स इंटू टाइम, वेरी गुड। ठीक है नेक्स्ट, उसके बाद में कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, देन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अपॉन करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई इंटू ए, मैग्नेटिक इंडक्शन, करंट इंटू लेंथ, वेरी गुड, देन मैग्नेटिक फ्लक्स, ए, देन परमिटिविटी, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, या फिर उसके डायमेंशंस बोलेंगे तो भी चलेगा। डायमेंशंस बोल, एल माइनस थ्री, एम माइनस वन, टी फोर, आई टू, परमीएबिलिटी, वेरी गुड। उसके बाद में प्लैंक्स कांस्टेंट, देखा था प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इक्वल टू 6.34 जूल इंटू सेकंड, एक्सलेंट, वेरी गुड। एंड लास्ट वन क्या था? लास्ट वन फ्रीक्वेंसी, वन अपॉन टाइम, वेरी गुड, करेक्ट। सिट डाउन, आता रेग्युलर असेस करायचे प्रिपरेशन। हां स्वप्नील स्टँड अप, सर्फेस टेंशन, प्रेशर, कल बोला था ना प्रिपेयर करके आना है, प्रेशर, सिट डाउन भोसले, लीनियर मोमेंटम, स्ट्रेस, वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस, वाओ वेरी गुड, सिट डाउन सिद्धेश, फ्रीक्वेंसी, प्रेशर, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अपॉन करंट, वेरी गुड, सिट डाउन सर्वज्ञ, परमीएबिलिटी, ती परमिटिविटी है, परमिएबिलिटी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, देन कैपेसिटन्स, बिघडला का? काल चांगलं बोललो होतं, लगेच आज अभ्यास सोडून आला तसाच। कॅपॅसिटन्स, चार्ज अपॉन पोटेन्शियल, रेजिस्टन्स, गावाकडे जायचं सांगितलं होतं तुला, कुठं होता काल? अरे आजारी झाल्यानंतर, जेवण नाही केलं का आजारी पडला होता तर? लक्षात घ्या बाळांनो, तुमच्या आयुष्यामधलं हे जे नेक्स्ट 2 इयर्स असणार आहे याच्यासारखा इम्पॉर्टंट टाईम याच्या अगोदर पण नव्हता, याच्यानंतर पण नाही, कळालं ना? तुमची कम्प्लीट लाईफ कशी असणार आहे, तुमच्यासोबत तुमच्या पुढच्या जनरेशनची लाईफ पण कशी असणार आहे, कळालं ना? या सगळ्या गोष्टी हे 2 वर्ष डिसाईड करणार आहे, त्यामुळे इथं एकदम झोकून द्या। आजारी पडलो सकाळी उठल्यावर, बहुतेक मला ताप आली आज, है ना, बहुतेक माझं डोकं दुखतं आज, हे रिझन ठेवूच नका, है ना। मी सांगतो नेहमी की तिसरं महायुद्ध जरी झालं, बॉम्ब पडायला लागले औरंगाबादमध्ये आणि एक बॉम्ब आपल्या अंगावर पडून एक पाय आणि एक हात जरी आपला गेला, तरी एक पाय आणि एक काठी टेकत टेकत इथपर्यंत यायचे, कळालं ना? ही इंटेन्सिटी आपली असली पाहिजे। जर हे केलं तर याचं आउटपुट 2 इयर्स नंतर दिसेल, नाही तर लक्षात घ्या, तुम्हाला माहीत असेल की तुमच्यासोबतची जी कॉम्पिटिशन आहे, मागे एकदा पण बोललो तुम्ही, सिट डाऊन बेटा, ठीक आहे। JEE के लिए प्रिपेअर करणे वाले जो बच्चे आहे उनके नंबर मोर दॅन 15 लाख आहे, कळालं ना? ऑल ओवर इंडिया। अँड जो IITs में ॲडमिशन की सीट्स आहे वो लेस दॅन 15,000 आहे, वरच्या 8,000 सोडून द्या, त्या कोर IITच्या नाहीच आहेत, मतलब 15 लाख कम्पीट कर रहे 7,000 सीट के लिए, हम 15,000 कन्सिडर करते। उसके बाद में जो NITs है वो भी आपको अराउंड 18-20,000 सीट्स प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद में जैसे हमारा COEP है, PICT है, VIT है, जैसे ब्रांडेड स्टेट के जो गवर्नमेंट या फिर ऑटोनॉमस VIT जैसे बीट्स जैसे कॉलेजेस है जो अच्छी जॉब प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको नियर अबाउट 40-50,000 सीट्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब ऑल ओवर इंडिया 1 लाख इंजीनियरिंग की सीट है, जिनमें अगर आपका नंबर आ गया तो कन्फर्म फ्यूचर ब्राइट ही रहेगा, समझ में आ रहा है ना, आउट ऑफ 15 लाख। एंड नीट की कंडीशन अगर देखेंगे तो कम्पीट करने वाले स्टूडेंट के नंबर मोर दॅन 8-10 लाख है, ये आपल्याकडे जास्त वाटतात सगळे नीट करणारे, ठीक आहे, बट ऑल ओवर जे इंजिनिअरिंगला जास्त प्रिपेअर करतात, तो बेसिकली 8-10 लाख प्रिपेअर कर रहे। और ऑल ओवर इंडिया जो MBBS की वैकेंट सीट है उनके नंबर प्राइवेट गवर्नमेंट सब अगर कंसिडर करेंगे तो अराउंड 60-70,000, समझ में आ रहा है ना, उससे भी कम है। ओवरऑल पूरा कंसिडर कराओ, MBBS भी, BAMS भी,
देन BDSB, देन BAMS के बाद में DHMS भी, समझ में आ रहा है ना? तो इतनी बड़ी कंपटीशन है, हमें 1% में आना है। अगर हम 1% में रहेंगे तभी हमें यहाँ पे ऐडमिशन मिलने वाला है। आणि असं निवांत राहून खरंच आपण 1% मध्ये येऊ का? बहुतेक आजारी पडलो होतो, जाऊ ते कुठे जाता लेक्चरला, हे नाही असं डोक्यात विचारच असला नाही पाहिजे। मेसला लेट होतंय, होतंय उद्या, एक दिवस जेवण नाही झालं तरी चालेल, म्हणजे असं नाही की रोज जेवण नका करू, पैसे दिलेत आपण, बट माइंडसेट असा असला पाहिजे की आपलं ठरवलेलं वर्क ते कम्प्लीट झालंच पाहिजे। उसके बाद मे काय होतं, टाईम टेबल बनवणार आता सगळे फॉर्ममध्ये असतात नवीन नवीन ना, स्टडीचा टाईम टेबल बनतो, आणि टाईम टेबल बनवताना सगळ्यात इम्पॉर्टंट कशाला टाईम मिळतो, आपला झोपेसाठी, बरोबर नाही? सगळ्यात पहिले इम्पॉर्टंट स्टार मार्क कशावर असेल तर झोपणार कधी आणि उठणार कधी, म्हणजे इथून आपलं कळतं की आपली म्हणजे माइंडसेट काय, मेंटॅलिटी काय आपल्या फ्युचरच्या अबाउट, कळालं ना? झोपेचा टाईम सोडून उरलेल्या टाईममध्ये आपण अभ्यास करतो, हे चेंज झालं पाहिजे, कळालं ना? आपल्या स्टडीचा टार्गेट कम्प्लीट होऊन जो टाईम मिळतो त्या टाईममध्ये आपण झोपलं पाहिजे। आणि हे जे कुठंतरी तुम्ही ऐकले असतात की 6 तास झोपायचे, 8 तास झोपायचे, 12 तास झोपायचे, ह्या गोष्टी काहीच मॅटर करत नाही, कळालं ना? आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला झोप किती पाहिजे, हे कशावर डिपेंड करतं? आपल्या माइंडसेटवर। नाहीतर कधी कधी लेक्चरमध्ये पण झोप येते आपल्याला, बरोबर आहे की नाही? आणि कधी कधी रात्री 2 पर्यंत अभ्यास करून 5:30 अभ्यासाला उठलं तरी पण काही फरक पडत नाही, दिवसभर एनर्जी मेंटेन राहते, हे सगळं आपल्या माइंडसेटवर डिपेंड आहे। तर अभ्यासासोबत या गोष्टींवर पण थोडासा फोकस करा की माझं एम काय, टार्गेट काय, कशासाठी मी क्लासेस जॉईन केले आणि नेक्स्ट इयरमध्ये मला काय करायचं आहे, आणि याच्यापाठी मग रिझन काय, काय रिझन आहे? असंच घरी करमत नव्हतं म्हणून औरंगाबादला आलो आहे का? असं तर रिझन नाही कोणाचं, बरोबर? काहीतरी व्हॅलिड रिझन आहे आणि ते आपल्याला माहिती काय रिझन आहे म्हणून, तर ते रिझन रोज स्वतःला 100 वेळा एक्सप्लेन करा, त्याशिवाय या गोष्टी होणार नाही आहेत, कळालं ना? म्हणजे छोटे छोटे रिझन, फॉर्म्युले पाठ होत नाही, बरं नव्हतं म्हणून आजारी होतो, बहुतेक पाऊस पडणार होता म्हणून आलो नाही, ह्या सगळ्या गोष्टी काहीच कामाच्या नाही आहेत तिथं। राहील लक्षामध्ये, तर थोडंसं याच्यावर लक्ष द्यायचं बेटा संकेत, त्याच्यानंतर गावाकडे गेला डायरेक्ट गावाकडे जायचं, कळालं ना? एकदा आले ना आता डिसाईड करायचं की नेक्स्ट टाईम जेव्हा दिवाळी व्हॅकेशन असेल तुम्हाला लक्षात येईल, आता जेव्हा हॉस्टेलला तुम्ही राहणार तेव्हा काही मुलं असे आहेत की ते दिवाळीमध्ये पण घरी नाही गेले, समर व्हॅकेशन येतात तिथं पण घरी जात नाही, कारण त्यांचं ठरलं आहे की दिवाळी आयुष्यभर येत राहणार आहे दरवर्षी, कळालं ना? 11th 12th आयुष्यात एकदाच आहे, आणि इथं अपॉर्च्युनिटी मिस झाली की मग आयुष्यभर मिस व्हावं लागतं, कळालं ना? मिस व्हावं लागतं म्हणजे अपॉर्च्युनिटीपासून, ठीक आहे? काय होतं, 12th नंतर खूप सारे ऑप्शन्स मग क्लोज होतात। जसं फॉर एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला, काय होतं की 11th 12th जेई नीट या एक्झाममध्ये जर चांगला स्कोर तुमचा नाही आला तर काय होतं की ऑप्शन्स बंद होतात, मग कुठल्या तरी इंजिनिअरिंग कॉलेजला नंबर लागतो, इंजिनिअरिंगचं तेवढं एक ॲडव्हान्टेज, कळालं ना? औरंगाबादच्या ह्या IIT नाही तर त्या IIT नंबर लागतो, औरंगाबादच्या IIT माहिती आहे ना? औरंगाबादचं गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेज जर सोडलं तर बाकी कुठल्याही इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये इंजिनिअरिंग करून तुमची खूप जास्त हॅरॅसमेंट होणार आहे। आफ्टर 4 इयर्स कोणी जॉब प्रोव्हाइड करत नाही, कळालं ना? पण त्या गोष्टी 4 वर्षानंतर बदलत नाही, त्या आत्ताच बदलतात, हे नंबर ऑफ टाईम्स मी लेक्चरमध्ये सांगितलं पण आहे, सांगतो आहे पण आणि पुढं पण सांगणार आहे, हे समजावून घ्या। नेमकं तुमच्या एजचा प्रॉब्लेम असा असतो, मॅच्युरिटी नसते आणि ती मॅच्युरिटी येण्याच्या अगोदरच आपल्या अपॉर्च्युनिटी निघून जातात। ह्या सगळ्यांची व्हॅल्यू कधी कळते आपल्याला? आफ्टर इंजिनिअरिंग, हे ना? कोणतरी एक मित्र होता ज्याने PICTमधून इंजिनिअरिंग केली आणि त्याला 32 लाख पर ॲनम मिळालं पॅकेज, कळालं? आपण JNECमधून केलं, मी कुठल्या कॉलेजला ब्लेम करत नाही, एक इन जनरल आपले आहेत म्हणून नावं घेतो आहे, नाहीत कोणतरी तुमचं घरचं असायचं त्या इंजिनिअरिंगमध्ये, सर असं कसं काय म्हटले, ठीक आहे, असंच म्हटले सर। कुठलं पण एक इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये इंजिनिअरिंग केली की 4 वर्षानंतर कुठंच जॉब मिळत नाही, मग औरंगाबादचे MIDC फिरून झाले की मग एक पुणे टार्गेट करायचं, पुणे नाही मिळालं की मुंबई टार्गेट करायचं, तिकडे टार्गेट करून नाही मिळालं नाशिकला जायचं, आणि वर्ष 1.5 वर्ष फिरून कुठंच जॉब नाही मिळाला की मग इंजिनिअरिंगचं काही खरं नाही, इंजिनिअरिंगचा लई कचरा झाला आहे। इंजिनिअरिंगचा कचरा का झाला? कारण कचरा इंजिनिअरिंगला आला, कळालं ना? हे लॉजिक समजून घ्या। आज पण वर्ल्डमधले सगळ्यात बेस्ट जॉब जे आहेत ते इंजिनियर्सच्या हातामध्ये, कळालं ना? 80%पेक्षा जास्त बेस्ट म्हणजे काय? लक्झरियस, वेल पॅकेज, या सगळ्या ज्या काही अवेलेबल गोष्टी आहेत त्या कोणाला मिळतात? इंजिनियरला मिळतात, ठीक आहे? डॉक्टरांची फील्डच वेगळी आहे, तुमचं यांसोबत कम्पॅरिझनच नाही, डॉक्टरांची हवाच वेगळी। MBBSला नंबर लागलं की तिथून सगळ्या गोष्टी सुरू होतात, सगळ्यात इम्पॉर्टंट मिळतो सोशल रिस्पेक्ट, कळालं ना? तर या सगळ्या गोष्टी आहे, असे काहीतरी रिझन स्वतःसाठी शोधा, मग जे आपल्याला बहुतेक आजारी होतो म्हणून क्लासला जायचं नाही या गोष्टीमध्ये अवॉइड करणार नाही, कळालं ना? चलो कम टू द पॉईंट। सर्वज्ञ अभिजित स्टँड अप, कॅपॅसिटन्स काल पण मी सांगितलं होतं, सोपं काहीच नाही आहे, मी सोपं आहे असं म्हटलोच नाही, बट आपल्याला करावं लागणार आहे। एकदा डिसाईड केलं ना आपण की नाही मी JEE साठी प्रिपेअर करणार आहे, NEET साठी प्रिपेअर करणार आहे, मग ते प्रिपेअर करण्यासाठी ज्या गोष्टी रिक्वायर्ड आहेत त्या आपल्याला करायच्या आहेत। मी सांगितले काल, एक वेळा लिहून प्रिपेअर नाही झालं, अजून एक वेळा लिहा,
अजून एक वेळा लिहून प्रिपेअर नाही झालं, अजून एक वेळा लिहा, 100 वेळा लिहावं लागलं तरी चालेल, बट ठरवलं आहे, डिसाईड केलं आहे, कमिटमेंट केली स्वतःसोबत, तू ती फुलफिल झाली पाहिजे. चार्ज इनटू पोटेन्शियल नाही बेटा, कॅपॅसिटन्स क्या होता आहे, चार्ज अपॉन पोटेन्शियल. ठीक आहे, सिट डाऊन पवार. प्रेशर डाऊन आणि घेत फोर्स. फोर्स मास इंटू ऍक्सलरेशन एल वन एम वन टी मायनस टू सरफेस टेन्शन. एरिया पण फोर्स नाही, फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर सरफेस टेन्शन. फोर्स अपॉन लेंथ. ठीक आहे, केला अभ्यास पण अजून थोडा करावा लागेल. हां, सिट डाऊन निहाल. लिनियर मोमेंटम, व्हेरी गुड. अँग्युलर मोमेंटम, एम जी एच नाही, एम व्ही आर. हां, कायनेटिक एनर्जी एम व्ही स्क्वेअर. पोटेन्शियल एनर्जी एम जी एच. म्हणजे मी आन्सर देतो आणि तो हो म्हणतोय. व्हेरी गुड बेटा, झालं की नाही बेटा आज प्रिपेअर केलं तर, हे रोज केलं तर रोज होणार आहे. ठीक आहे, आणि काय, थोडा अजून वेळ द्यावा लागेल. सिट डाऊन. चलो, बाकी कोण लोग आहे, बाकी सब तो पडणे वाले, सबका प्रिपेअर हो गया ना. विनया स्टँड अप. कॅपॅसिटन्स चार्ज अपॉन पोटेन्शियल, व्हेरी गुड. सिट डाऊन. रितू रेझिस्टन्स, व्हेरी गुड. सिट डाऊन. साक्षी सरफेस टेन्शन. फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन लेंथ, व्हेरी गुड. सिट डाऊन. साहिल प्रेशर. फ्रिक्वेन्सी वन अपॉन टाइम, व्हेरी गुड. सिट डाऊन. ठीक आहे, चलो. और कोण आहे, क्रांती स्टँड अप. मॅग्नेटिक इंडक्शन बी इंटू ए, नॉट गुड. मॅग्नेटिक इंडक्शन विनया माहिती असेल. हां रितू, मॅग्नेटिक इंडक्शन फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ, व्हेरी गुड. सिट डाऊन. ठीक आहे, नेक्स्ट टाइम असं नाही व्हायला पाहिजे. तो देखो हमारे पास डायमेन्शन्स की अभी बहुत बड़ी लिस्ट हो गई, समझ में आ रहा है. पहले कौन, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी, सेवन. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस. लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई. उसके बाद में डिराइव्ड क्वांटिटीज, उसमें एरिया एल टू, वॉल्यूम एल थ्री, स्पीड एल वन टी माइनस वन, वेलोसिटी एल वन टी माइनस वन, एक्सेलरेशन फोर्स एल वन एम वन टी माइनस टू, वर्क एल टू एम वन टी माइनस टू, पावर एल टू एम वन टी माइनस थ्री, चार्ज पोटेंशियल परमिटिविटी एल माइनस थ्री एम माइनस वन टी फोर आई टू, परमीएबिलिटी एल वन एम वन टी माइनस टू आई माइनस टू. ये छोड़ के और 20 फॉर्मूले हमारे पास. कौन कौन, पहले सिक्वेंस से काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेर. नोटबुक बंद करा, आता ब्रेन मध्ये आहे ते आठवायचं ट्राय करा. ठीक आहे, प्रोनाउंस करू नंबर ऑफ टाइम्स. हे माहिती आहे तुम्हाला, आपली जी टंग आहे त्या टंगमध्ये पण मेमरी असते. या सायकोलॉजिकल गोष्टी समजावून घ्या. जीभ असते ना आपली टंग, उसमें भी मेमरी आहे. हे काय नवीन, रोज काहीतरी नवीन आपवा सांगत आहे ना की नाही. काल ब्रेनची लँग्वेज मी सांगितलीच नाही, ब्रेनला एक लँग्वेज कळते म्हटलं होतं, बरोबर. कौन सी लँग्वेज समज में आती है, लँग्वेज ऑफ इमेजेस, याद रखना है उसको. ब्रेन को एक ही लँग्वेज समझ में आती है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश नहीं. कौन सी लँग्वेज समझ में आती है, लँग्वेज ऑफ इमेजेस. मतलब जब तक डेटा इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक हमारे ब्रेन को समझ में ही नहीं आता है. ठीक है ना, तो उसके ऊपर कैसे वर्क करना है आगे देखेंगे हम. तो अभी आज नई अफवाह कहती, हाँ हमारी जो टंग है उसमें भी मेमरी है, कळलं ना. आता याचं एक्झाम्पल कसं, फॉर एक्झाम्पल गाणं असतं पिक्चरचं, बरोबर आहे. ते आपण लिहायचं जर ठरवलं, बऱ्याच जणांनी सुट्ट्यांमध्ये दहावीनंतर केला असेल पराक्रम स्वतःसाठी, अजून कोणासाठी, ठीक आहे, गाणं लिहिण्याचा. तर वहा पे का क्या होता आहे, गाणं लिहित असताना आपल्याला कळतं की आपल्याला फर्स्ट स्टेटमेंट तर आठवलं आहे, नेक्स्ट आठवतच नाही आहे. मग त्या केसमध्ये आपण काय करतो, काय करतो, ते गाणं म्हणून बघतो ना, बरोबर आहे की नाही. म्हणायला लागले क्या होतं, बरोबर पुढचं स्टेटमेंट आठवायला लागतं. तो हे आया का असेल, लिख रे ते तर याद नाही आ रहा आहे, अँड म्हणायला लागले गाणं तेव्हा आठवायला लागलं. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी मेमरी टंग में स्टोर थी. समझ में आ रहा है ना. तो इसलिए हमें ये सारे फॉर्मूले नंबर ऑफ टाइम्स प्रोनाउंस करने हैं, सो दैट ये याद हो जाएंगे. ठीक है, चलो. काइनेटिक एनर्जी
हाफ एम व्ही स्क्वेअर असं हाफ एम व्ही स्क्वेअर असं नाही, ठीक आहे ना, एकदम एनर्जेटिक शरीराला पण तुमच्या भारी वाटलं पाहिजे, आपण काहीतरी चांगलं करतोय. कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, टॉर्क, लिनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलॉसिटी एम व्ही, अँग्युलर मोमेंटम, मास इंटू वेलॉसिटी इंटू रेडियस एम व्ही आर, ठीक आहे. उसके बाद में सरफेस टेन्शन, फोर्स अपॉन लेंथ प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया पावर नाही स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया डेन्सिटी, मास अपॉन व्हॉल्यूम हो गए 10, इम्पल्स, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है. उसके बाद में कल का पहला वन, फर्स्ट वन कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, दूसरा रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अपॉन करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया, वेरी गुड. देन मैग्नेटिक इंडक्शन, फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ, देन मैग्नेटिक फ्लक्स बी इंटू ए, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन इंटू एरिया, देन परमिटिविटी कितनी होती है 8.85 इंटू 10^-12 कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन मीटर का स्क्वेयर. लेकिन उसके डायमेंशन ही हमने लर्न किए, क्या होते हैं L-3, M-1, T-4. परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है, μ0 = 4π × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर, बट उसके भी डायमेंशन है, वैल्यू भूल गए तो चलेगा. कितना है L1, M1, T-2, I-2 एंड एट द एंड आता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, कितना है 6.63 × 10⁻³⁴ जूल इंटू सेकंड. एंड लास्ट में कौन था, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी मतलब 1/टाइम, जिसके डायमेन्शन आते हैं T-1. कळालं ना, एवढंच प्रिपेअर करायचं होतं आपल्याला. हे जर तुम्हाला जास्त वाटत असेल लक्षात घ्या, हे अजून ट्रेलर पण नाही आहे, टीजर आहे. कळतं ना, पिक्चर रिलीज होण्या अगोदर पहिले टीजर येतं, म्हणजे एक फोटो येतो फक्त, नंतर ट्रेलर येतं, अजून ट्रेलर पण यायचं आहे. कळालं ना, मूवी तर खूप लांब आहे अजून. तो वहाँ पे क्या होगा, फिजिक्स का भी सायमल्टेनियसली केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो तीनों सब्जेक्ट का इतना लोड होगा की तुमची इच्छा नसली तरी पण तुम्हाला जागून प्रिपेअर करावंच लागेल. त्यासाठी आत्तापासून जर प्रिपेअर झाले तुम्ही तर लक्षात घ्या खूप साऱ्या गोष्टी सोप्या होणार आहेत. अँड उसके लिए सबसे इम्पॉर्टंट ये पहिला टॉपिक आहे, युनिट्स अँड डायमेन्शन्स. सिंपल है, डायजेस्ट होने जैसा है, इसको अगर प्रिपेयर कर लिया तो आगे पूरा फिजिक्स हो जाता है. लेकिन ये टॉपिक अगर प्रिपेयर नहीं हुआ तो कळेल काय होतं ते, ठीक है. चलो अभी लिस्ट को बढ़ाते हैं, आई थिंक 20 हो गए थे लिस्ट में, आगे आता है 21 नंबर पे, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. हुआ है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट नहीं, कब हुआ था, कल था क्या, नहीं हमने बस प्रैक्टिस के लिए लिखा था, लिस्ट में ऐड नहीं किया था उसको. समझ में आ रहा है ना, मंडे को क्या हुए थे पहले 10 कहाँ तक, इम्पल्स तक, एंड कल के लेक्चर में कहाँ तक हुआ था, फ्रीक्वेंसी तक. तो ये आगे की लिस्ट में आता है, तुमसा ऑलरेडी प्रिपेयर असेल तर भारी एकदम. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. अब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट 10th में भी पढ़ा है आपने, क्या होता है G इक्वल्स टू 6.67 × 10⁻¹⁵ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर. वैल्यू यहाँ पे काम की नहीं है, ये जो यूनिट है ये हमें आंसर फाइंड करके देगा, न्यूटन मीटर का स्क्वेयर पर केजी का स्क्वेयर. अभी डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करना है वो मालूम है आपको. चलो एवरीवन वैल्यू पुट करो, डायमेंशंस कैलकुलेट करो. न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर. न्यूटन मतलब कौन, फोर्स. मीटर मतलब कौन, लेंथ. केजी मतलब कौन, मास. बेटा ती विंडो क्लोज कर, विंडो क्लोज कर. L3, M-1, T-2. वेरी गुड, ठीक है. जन्ना नहीं कड़ा लग कस कराए काय कराए वो बोर्ड पे ध्यान देंगे, जिनका चल रहा है वो अपने आप सॉल्व करो. कौन न्यूटन, न्यूटन की जगह पे हम लिखेंगे L1, M1, T-2 को. मीटर का मतलब कौन, लेंथ L1. किलोग्राम का मतलब कौन, मास यानी M1. तो यहाँ पे न्यूटन बनेगा L1, M1, T-2. मीटर का स्क्वेयर है तो लेंथ का स्क्वेयर होगा यानी L2. अब डिनोमिनेटर में कौन है, केजी का स्क्वेयर. केजी मतलब कौन था, मास. तो मास का स्क्वेयर बनेगा M2. सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, बेस सेम है, पावर का एडिशन 2+1, 3, M+2, ऊपर जाएगा 1-2, -1, तो ये बनेगा M-1, T-2. तो ये हो गए डायमेंशंस फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. आपके पास दो ऑप्शन है,
एक तो इसकी वैल्यू एंड यूनिट दोनों लर्न करो, नहीं तो डायरेक्ट डायमेंशंस लर्न करो, क्योंकि जब मैं पूछूंगा मुझे दोनों में से कोई भी एक बोला तो भी चलेगा। कितनी वैल्यू? 6.63 इंटू 10^-3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। एंड डायमेंशंस क्या आते फिर? L3 m-1 t-2। ठीक है, चलो लिस्ट में पहले से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, सरफेस टेंशन, प्रेशर, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, डेंसिटी, इम्पल्स हो गए 10। कल के कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स, परमिटिविटी, परमेबिलिटी, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, फ्रीक्वेंसी हो गए 20। उसके बाद में 21 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कितना है? 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एंड इसके डायमेंशंस कितने आते हैं? L3 m-1 t-2। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसका नोटेशन इस तरह से देखो। अब ये ग्रीक अल्फाबेट है, जैसे अल्फा बीटा थीटा होते हैं ना, वैसे ग्रीक अल्फाबेट है। इसको प्रोनाउंस करते हैं एज ईटा, ईटीए, ईटा। क्या बोलते हैं इसको? ईटा। ड्रॉ करता है ना, यन काढ़ाच, एक पाय मोटा करूँ टाका। ठीक है, ईटा। ईटा मतलब कौन? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब कौन? ईटा। ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब, अब इसके डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन 6πr(v)। क्या है फॉर्मूला ईटा का? एफ अपॉन 6πr(v)। अब यहां पे ध्यान दो, दो मिनट बोर्ड पे। यप का मतलब होता है फोर्स। अगर यप फोर्स रहेगा तो उसके डायमेंशन हमें मालूम है, L1 m1 t-2। 6π नंबर है, नंबर को डायमेंशंस नहीं होते है ना। कालपन अपन बगित लो तो स्वप्निल असं लिहितो का अपन, स्वप्निल 10 मीटर असं कहीं नहीं लिहित ना। तो नंबर जो होते उनको डायमेंशंस नहीं होते। उसके बाद में 6π चला जाएगा। आर मतलब होगा रेडियस। अब रेडियस का मतलब होता है लेंथ। लेंथ के लिए हम यूज करेंगे L1। V का मतलब कौन है? वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं L1 t-1। चलो इस फॉर्मूले में पुट करो और ईटा के डायमेंशंस क्या आते हैं बोलो। चलो सब लोग ट्राई करो, कमन फास्ट, सबका आंसर आना चाहिए। अरे हो ना, एकदा सांगितलं शांत बसना आता। सांगून टाक स्कीम सगळ्यांना ओरडू ओरडू। पाय, पाय को भी डायमेंशन है, पाय नंबर है ना 3.14। हाँ, अरे क्रांति, करेक्ट। साहिल t-2 - 4 नाही, अनिकेत, विनया, t-1 ना, ऋतु, साक्षी -3, वेरी गुड, निहाल, चल तू ही बचा है, सॉल्व कर जल्दी जल्दी। विनया नहीं आ रहे, t-1 करेक्ट। निहाल आगे आंसर बोल, उसका देख के मत बोल, तू बोल तेरा क्या आया, तो बोल ना तेरे नोटबुक में देख के बोल। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, करना क्या होता है डायमेंशंस फाइंड करते टाइम, यहां पे जो फोर्स है फोर्स की जगह पे उसके डायमेंशंस लिखने हैं। तो फोर्स के डायमेंशंस बनेंगे L1 m1 t-2। अब यहाँ पे 6π नंबर है, उसको कुछ नहीं होता है। R मतलब रेडियस, तो R की जगह पे उसके डायमेंशंस लिखेंगे L1।
इनटू वेलोसिटी के डायमेंशंस, मतलब एल वन टी माइनस वन, एल वन अपॉन एल वन कट हो गया। अभी एल प्लस वन है, ऊपर जाके यम वन एज इट इज रहेगा, टी माइनस वन है, ऊपर आके प्लस वन माइनस टू, ये चेंज कराएच कड़ा ना, टी माइनस थ्री संग है नेगेटिव है, ऊपर जाके पॉजिटिव बनता है, तो ये बनेगा एल माइनस वन यम वन टी माइनस वन हो गए। किसके डायमेंशन ये कोई पिशंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके लिए भी आपको दो ऑप्शन है, हे सोप वॉटर द सेल फॉर्मूला रिमेंबर करा, आणि त्या अवघड वॉटर द सेल डायमेंशन्स लर्न करा, ठीक है। क्या करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, मुझे दोनों में से एक आंसर चाहिए, ठीक है। तो लिस्ट में अभी क्या हो गए, दो ऐड हो गए स्टार्ट से, पहले कौन था काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, उसके बाद टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके बाद लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, देन एंगुलर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, उसके बाद प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, देन स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, उसके बाद सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, एंड लास्ट में कौन था डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, उसके बाद इम्पल्स फोर्स इंटू, पहले दिन की हो गए, कल के क्या थे पहले कैपेसिटेंस, क्या था चार्ज अपॉन पोटेंशियल, दूसरा कौन था रेजिस्टेंस, क्या था पोटेंशियल अपॉन करंट, तीसरा कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया ई इंटू ए, उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स बी इंटू ए, देन परमिटिविटी वैल्यू बोलेंगे तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, डायमेंशन से तो एल माइनस थ्री एम माइनस वन टी फोर, देन आती है परमीएबिलिटी वैल्यू चाहिए तो 4π इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 वेबर पर एम्पियर मीटर, डायमेंशन से तो एल वन एम वन टी माइनस टू आई माइनस टू, एंड उसके बाद एंड में प्लैंक्स कॉन्स्टेंट कितना था 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकंड, एंड लास्ट में फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम। उसके बाद में और दो ऐड हो गए आज की लिस्ट में, पहला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एक तो ये लर्न करो नहीं तो डायमेंशन डायरेक्ट एल थ्री एम माइनस वन टी माइनस टू। उसके बाद में कौन आया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर्मूला ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन 6π eta 6π rv, और उसके डायमेंशंस क्या आ रहे हैं L-1 M1 T-1, हो गए क्लियर सबको, वेरी गुड। नेक्स्ट 22 है ना, 22 हो गए, आगे 23 23 नंबर पे आ रहा है यंग्स मॉडुलस, उससे पहले स्ट्रेन स्ट्रेन कौन आ रहा है स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन जो है इसके डायरेक्ट फॉर्मूला छोड़ दो, डायमेंशन याद करो M0 L0 T0, मतलब वो डायमेंशन ले से मतलब स्ट्रेन दिखा तो उसके डायमेंशन क्या पुट करेंगे M0 L0 T0। उसके बाद में अगर आपको RI दिख रहा है मतलब कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होती है म्यू, इसके भी डायमेंशंस क्या होते हैं M0 L0 T0, मतलब ये भी डायमेंशन लेस है, ठीक है। स्ट्रेन भी डायमेंशन लेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशन लेस। अब उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है आपको, एक तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऐसे देंगे, इसके डायमेंशन सेम है किससे यंग्स मॉडुलस से, यंग्स मॉडुलस के सेम है किसके बल्क मॉडुलस के, बल्क मॉडुलस के सेम है किसके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब इनमें से कोई भी एक वर्ड देंगे तो सबके लिए कॉमन फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फॉर्मूला कौन सा है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे वो आप बोलेंगे L-1 M1 T-2। क्यों ऐसे, देखो स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है मतलब वन है, वन से डिवाइड करते कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब जो स्ट्रेस के डायमेंशंस होते हैं वही डायमेंशन से फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वही डायमेंशन से फॉर यंग्स मॉडुलस, वही डायमेंशन से फॉर बल्क मॉडुलस, वही डायमेंशन से फॉर मॉडुलस ऑफ
रिजिडिटी, एंड क्या रहेंगे डायमेंशंस, स्ट्रेस के डायमेंशंस, मतलब एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू। ठीक है, तो ये हो गए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इनके डायमेंशंस। क्लियर, चलो लिख के हो गया। स्ट्रेन डायमेंशनलेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस, देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सबके डायमेंशन सेम है, क्या है L माइनस वन यम वन टी माइनस टू, क्या है L माइनस वन यम वन टी माइनस टू। इसके बाद में जो डायमेंशंस आएंगे वहाँ पे एक वर्ड होगा, देखो ग्रेडियंट, क्या वर्ड होगा ग्रेडियंट। अब ये ग्रेडियंट अगर कहीं पे भी आ गया, मतलब इस टॉपिक में छोड़ो नेक्स्ट ईयर के सिलेबस में कहीं पे भी अगर ग्रेडियंट आ रहा है तो इस ग्रेडियंट का मतलब होता है डिस्टेंस से डिवाइड करना, समझ में आ रहा है। जैसे कि 25 हो गए थे, 26 नंबर पे आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, कौन है वेलोसिटी ग्रेडियंट, और ये वेलोसिटी का ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, क्या है फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिखते हैं वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस डीवी बाय डीएक्स। अब इसके डायमेंशंस फाइंड करना है, वेलोसिटी मतलब एल वन t माइनस वन अपॉन में डिस्टेंस से मतलब l1 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 कट क्या बचेगा t माइनस, यानी कि इस तरह से होगा। देखो वेलोसिटी के लिए l1 t माइनस वन, डिस्टेंस के लिए l1 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 कट हो गया, क्या बचा t माइनस वन। ये हो गया डायमेंशंस फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट की तरह अगर आपको बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट, कौन है प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होगा, फिर से प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, करो इसके डायमेंशंस फाइंड। क्या करना है, जो प्रेशर के डायमेंशन से उसको डिस्टेंस के डायमेंशन से डिवाइड करना है। आगे प्रेशर के लिए क्या होते हैं डायमेंशंस, एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू अपॉन डिस्टेंस से मतलब एल वन है। अब डिनोमिनेटर का एल वन अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा एल माइनस वन होगा, माइनस वन मतलब एल माइनस टू एम वन टी माइनस टू। ये हो गया डायमेंशंस फॉर प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट हो गया। उसके बाद में आएगा नेक्स्ट वन पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। अब पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस ले रहे, पोटेंशियल के डायमेंशंस तो हमने लर्न ही किए, उसको बस डिस्टेंस से डिवाइड करना है, क्या बनेंगे पोटेंशियल के लिए क्या थे बोलो, पहले L2 M1 T माइनस टू आई माइनस वन, हाँ T माइनस थ्री था, वेरी गुड। अपॉन डिस्टेंस मतलब कौन L1, तो L प्लस वन ऊपर जाके माइनस वन, टू माइनस वन क्या बनेगा, तो ये बनेगा L1 M1 T माइनस थ्री आई माइनस वन। ये हो गया डायमेंशंस फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट, डायमेंशंस फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर, चलो नेक्स्ट रेजिस्टिविटी, और इस रेजिस्टिविटी को बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है, कितने लोगों को याद है टेंथ में था, देखो रेजिस्टिविटी सिलेबस में देना होता है ना,
यूनिट मालूम है क्या होता है यूनिट? वेरी गुड, ओम मीटर। तो ओम किसका यूनिट था? रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस इनटू लेन, बोलो क्या होंगे डायमेंशंस फिर? चलो जिनको यूनिट याद है यूनिट से कैलकुलेट करो, बाकी लोगों के लिए फॉर्मूला है आर इंटू ए अपॉन एल। किसका फॉर्मूला ये? रेजिस्टिविटी का, जिसमें आर का मतलब कौन? रेजिस्टेंस, ए का मतलब एरिया, एल का मतलब लेंथ। अभी रेजिस्टेंस, एरिया, लेंथ तीनों के डायमेंशंस मालूम है आपको, करो पुट। रेजिस्टेंस के डायमेंशंस क्या होते हैं? एल टू एम वन टी माइनस थ्री आई माइनस टू। एरिया मतलब कौन? एल टू। लेंथ मतलब कौन? एल वन। तो रेजिस्टिविटी के क्या बनेंगे? सिर्फ एल टू का एल थ्री बनेगा, बाकी सब कुछ सेम। चला करा पटपट सगले। I माइनस टू कौन सांगितले? वेरी गुड, करेक्ट। I माइनस टू, सिर्फ जो रेजिस्टेंस में L2 था उसकी जगह पे क्या आएगा? L3, क्योंकि एक L1 L1 तो कट हो जाएगा। देखो R रेजिस्टेंस के डायमेंशंस यहाँ पे पुट कर दे, क्या बनेगा? L2 M1 T माइनस थ्री आई माइनस टू। एरिया है मतलब, सॉरी एरिया इनटू है, एरिया है मतलब L2। इधर कौन होगा? L1। सिर्फ क्या होगा देखो, एल एल बेस से में पावर के एडिशन, 2 प्लस टू एंड नीचे का प्लस वन ऊपर आके माइनस वन, 4 माइनस वन। तो आंसर आ रहा है L3 M1 T माइनस थ्री I माइनस टू। ये हो गया डायमेंशंस फॉर किसके लिए? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके बाद में लिस्ट में ऐड होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। अब ये कंडक्टिविटी मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब वन अपॉन रेजिस्टिविटी, यानी कि सिग्मा इक्वल्स टू बनेगा वन अपॉन रो। तो डायमेंशंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो रेजिस्टेंस के डायमेंशंस थे वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, एंड डिनोमिनेटर में से जब न्यूमरेटर में आएंगे तो अगेन साइन का क्या होगा? चेंज होगा। मतलब L3 था L माइनस थ्री, एम प्लस वन था T माइनस थ्री था प्लस थ्री, I माइनस टू था, बस इतना ही होगा, ठीक है? यानी कि सिग्मा के लिए डायमेंशंस बनेंगे L3 M1 T माइनस थ्री I माइनस टू। अभी L3 है ऊपर जाएगा तो क्या होगा? L माइनस थ्री। M1 है ऊपर जाएगा तो माइनस वन। T माइनस थ्री है ऊपर जाके प्लस थ्री। I माइनस टू है ऊपर जाके प्लस टू। ये हो गए डायमेंशंस फॉर कंडक्टिविटी। हो गया आज की लिस्ट कंप्लीट, है ना? एक्सट्रीमली सिंपल है देखो आज की लिस्ट में, प्रिपेयर करने जैसा कुछ है ही नहीं। क्या था 21 नंबर पे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके डायमेंशंस L3 M माइनस वन T माइनस टू। उसके बाद सेकंड नंबर पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन सिक्स पाई आर वी, उसके डायमेंशंस एल माइनस वन एम वन टी माइनस वन। उसके बाद में ग्रेडियंट आ गए थे, पहले कौन? हाँ नहीं, हाँ स्ट्रेन था, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है एम जीरो एल जीरो टी जीरो। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी क्या है? एम जीरो एल जीरो टी जीरो। उसके बाद में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इन सब के डायमेंशन सेम थे, किसके सेम? स्ट्रेस के सेम, मतलब L माइनस वन एम वन टी माइनस टू। उसके बाद में ग्रेडियंट, पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, मतलब टी माइनस वन। उसके बाद में प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, क्या था डायमेंशंस? L माइनस टू था एम वन टी माइनस टू। एंड लास्ट में कौन था? पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसमें क्या था? पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, उसमें भी क्या होगा? L1 M1 T माइनस थ्री आई माइनस वन। वो हो गए। अभी लास्ट में आ गई कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के डायमेंशंस के लिए फॉर्मूला क्या था? रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। आर का मतलब रेजिस्टेंस, ए का मतलब एरिया, एल का मतलब लेंथ, एंड उसका उल्टा मतलब उसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। क्या है कंडक्टिविटी? वन अपॉन रेजिस्टिविटी, मतलब जो
रेजिस्टिविटी के डायमेंशन से उनके साइन बस चेंज कर दिए, क्लियर है। तो ये 30 की लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई फ्रॉम स्टार्ट। पहले कौन, काइनेटिक एनर्जी, क्या है फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, देन टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके बाद लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, उसके बाद सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ, उसके बाद प्रेशर, फोर्स अपॉन देन स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, उसके बाद में डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, एंड लास्ट में कौन है, इम्पल्स, इम्पल्स मतलब फोर्स इंटू टाइम। हो गए 10 कंप्लीट। नेक्स्ट डे मतलब कल के डायमेंशंस, आगे के 10, कैपेसिटेंस चार्ज अपॉन पोटेंशियल, उसके बाद रेजिस्टेंस पोटेंशियल अपॉन करंट, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन चार्ज, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू ए, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए का मतलब एरिया, उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ, देन मैग्नेटिक इंडक्शन बी इंटू ए, बी का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, ए का मतलब एरिया, देन आती है परमिटिविटी, उसके तो डायमेंशंस मालूम है, एल माइनस थ्री, एम माइनस वन, टी फोर, आई टू, देन परमिएबिलिटी एल वन, एम वन, टी माइनस टू, आई माइनस टू। हो गए इट्स कंप्लीट, नहीं दो रह गए। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट क्या था, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकंड, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन, एंड उसके बाद में आज की तो सिंपल है लिस्ट, पहले कौन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कितना है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर, नहीं 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सेकंड नंबर पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन 6 पाई आरवी, उसके बाद में स्ट्रेन, स्ट्रेन कैसा है, डायमेंशनलेस, मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो, सगळे असेच पाहिजे है ना। उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अगेन एम जीरो एल जीरो टी जीरो, देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सबके डायमेंशन सेम है, किसके, स्ट्रेस के, मतलब एल माइनस वन, एम वन, टी माइनस टू। उसके बाद ग्रेडियंट, पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी अपॉन, वेरी गुड, उसके बाद में प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर अपॉन, एंड एंड में पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल अपॉन, उसके बाद में आती है रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, एंड उसके बाद में कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर है, हो जाएंगे फिर आज और दो 10 के, यही करते अच्छे से, कारण ये 10 सारखे वाटलेच नहीं, लगेच झाले बरोबर ने, प्रिपेअर करायला पण वेळ नाही लागणार, देऊ का अजून 10 का, हेच व्यवस्थित करता आज, ठीक आहे, काही गडबड नाही, हेच व्यवस्थित करा, कळालं ना, ऑल 10 कल के लेक्चर में आएंगे। चलो नेक्स्ट वन, अभी तो सारे डायमेंशन 30 की लिस्ट में आपके पास है, तो अभी इनको कंबाइन करके हमें नई नई क्वांटिटी के डायमेंशन चाहिए, जो हमने मॉर्निंग के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उसके सिमिलर अभी हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। आपको बोला है जी इंटू सी अपॉन म्यू नॉट, इसके डायमेंशंस फाइंड करने। अब यहाँ पे जी का मतलब कौन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, उसके डायमेंशंस एल थ्री, एम माइनस वन, टी माइनस टू। सी का मतलब स्पीड है, सी का मतलब स्पीड है, स्पीड के डायमेंशंस एल वन, टी माइनस वन, एंड म्यू नॉट मतलब परमीएबिलिटी। अभिजीत म्यू नॉट के डायमेंशंस, एल वन, एम वन, टी माइनस टू, आई माइनस टू। हो गया, करो पुट, करो सॉल्व। अभी देखो डायमेंशंस बोर्ड पे सिर्फ जी को उठाना है, उसकी जगह पे जी के डायमेंशंस, फक्त बेस से में उनकी एडिशन, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो उसका साइन चेंज करना, ये ध्यान से करो बस। करेक्ट, एल माइनस थ्री, टू है बेटा, आई माइनस टू, एल थ्री एम माइनस टू, टी माइनस वन, आई माइनस टू, आई माइनस टू, एल थ्री एम माइनस टू, टी माइनस वन, आई, करेक्ट, एल माइनस थ्री एम माइनस टू, टी माइनस वन, आई, एल माइनस थ्री, एल प्लस थ्री चाहिए ना। चलो सबके हो गए अटेम्प्ट करके, अब एक बार क्रॉस चेक करते, जी है, जी के जगह पे जी के डायमेंशन आएंगे कौन, एल थ्री, एम माइनस वन, टी माइनस टू,
इनटू कौन है सी, सी की जगह पे कौन आएगा एल वन टी माइनस वन, म्यू नॉट पे कौन है एल वन एम वन टी माइनस टू आई माइनस टू। ये कळालं का सगळ्यांना, हे कळालं पाहिजे। मतलब जी की जगह पे उसके डायमेंशन, सी पे उसके डायमेंशन, म्यू नॉट पे उसके डायमेंशन। आगे समझ में आता है क्या करना है, देखो यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, तो एल वन कट करेंगे, क्या बचा सिर्फ एल रेस टू थ्री। अब ये एम प्लस वन है, ऊपर जाके माइनस वन होगा, पहले से माइनस वन है, माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया। उसके बाद में यहाँ पे टी माइनस टू है, टी माइनस टू है, कट हो गया, क्या बचा सिर्फ टी रेस टू माइनस वन बचा, आई माइनस टू ऊपर जाएगा तो आई प्लस टू होगा। कितने लोगों के सेम थे आंसर्स? अनिकेत काय रॉन्ग झालं बेटा? आलो होतं, तुझं पण आलं करेक्ट, नाही तुझं तुझं पण आलं करेक्ट, एक चुकलं, पुढच्या वेळेत ते नाही चुकायला पाहिजे। प्रोसेस समझ में आ गई, देखो आंसर गलत हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, साल भर यही करना है हमें, बट प्रोसेस समझना है। आगे जी इंटू म्यू नॉट इंटू सी डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट इंटू एच, इसके डायमेंशंस फाइंड करने हैं। एंड हर एक के डायमेंशंस की लिस्ट अभी आपके पास है, मैं बोर्ड पे लिख के नहीं दे रहा हूँ। पहले क्या करो, बगुन लिव नका डायरेक्ट डायमेंशंस, पहले क्या करो डायमेंशंस कैलकुलेट करो, जी का वैल्यू याद करो, उसके डायमेंशंस म्यू नॉट के एच के, एंड डायमेंशंस कैलकुलेट करके पुट करो, ठीक है, देखते कितने लोग आंसर सर। सी म्हणजे हाँ देखो जी मतलब कौन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मालूम है, एच मतलब कौन प्लैंक्स कांस्टेंट, सी का मतलब स्पीड, किसकी स्पीड क्या कह देंगे आप, किसकी भी स्पीड, लाइट की है किसी की भी, लाइट स्पीड के डायमेंशन क्या होते हैं एल वन टी माइनस, वो सेम
मित्रों आ गए आंसर्स सबके L6 आलो L7 चलो बोर्ड पे ध्यान दो एक बार चेक करते जी के डायमेंशंस बोलो हाँ जी के डायमेंशंस L3 M-1 T-2 म्यू नॉट के L1 M1 T-2 I-2 सी के लिए L1 T-1 डिनोमिनेटर में कौन है इप्सिलॉन नॉट उसके लिए L माइनस थ्री एम माइनस वन टी फोर आई टू इंटू कौन है एच एल टू एम वन टी माइनस वन ये स्टेप कितने लोगों की करेक्ट थी ही करेक्ट आली म्हणजे आपलं काम झालं कळालं ना याच्या पुढे मिस्टेक झाली असेल ते आपण ओवरकम करून घेऊ ठीक आहे अब यहाँ पे देखो एल 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 कितनी टाइम्स है न्यूमरेटर में थ्री टाइम्स डिनोमिनेटर में दो टाइम पहले न्यूमरेटर सॉल्व करते ठीक है तो यहाँ पे एल बेस सेम है पावर की एडिशन तो कितना होगा थ्री प्लस टू फाइव अब यम यहाँ पे प्लस वन है एम माइनस वन है कट हो गया टी की पावर देखो माइनस टू माइनस टू माइनस वन तो न्यूमरेटर हाँ असं कट करायचं म्हणतो का डिविजन मध्ये तसं केलं चालतं आम्ही पहिले न्यूमरेटर सॉल्व करके ले रहे थे करून टाकायचं का कोणते मेथड निकेल आन्सर सेम राहील ठीक आहे संकेतचं म्हणणं आहे पहले जे कट होता ते कट करून टाका म्हणजे कट कट राहत नाही ठीक आहे तो टी माइनस वन कट यम प्लस वन यम माइनस वन हो गए अब यहाँ पे कौन बचा और हाँ ठीक है ये एल वन एल टू ये भी कट बर अजून टी कितना है फोर नहीं वो प्लस फोर है ठीक है चलो बाकी रहने दो यहाँ पे क्या बचा हाँ ये भी एम प्लस वन एम माइनस वन कट हो गए यम बचे नहीं मतलब वेरी गुड क्या बचा आप सिर्फ एल थ्री ये एल कौन है माइनस थ्री ऊपर आके तो थ्री प्लस थ्री बनेगा टी के लिए देखो यहाँ पे माइनस टू यहाँ पे कितना हो गया माइनस टू डिनोमिनेटर में ये प्लस फोर है प्लस फोर ऊपर आके माइनस फोर माइनस एट करंट के लिए यहाँ पे कौन है आए माइनस टू यहाँ पे कौन है आए प्लस टू ऊपर आके माइनस टू तो माइनस टू माइनस फोर कितने लोगों का सेम आंसर गुड ज्यांच्या मिस्टेक झाल्या काही फरक पडत नाही ठीक आहे ॲडिशन सप्रेशन चुकली ना ती करून घेऊ आपण नंतर ठीक आहे ये स्टेप करेक्ट ती व्हेरी गुड ठीक आहे चलो नेक्स्ट वन एच म्हणजे प्लँक्स कॉन्स्टंट तू काय घेतलं होतं हाईट घेतली होती गुड नेक्स्ट इप्सिलॉन नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाय बी इंटू व्ही चलो इप्सिलॉन नॉट मतलब कौन परमिटिविटी उसके डायमेंशंस एल माइनस थ्री एम माइनस वन टी फोर आई टू आर मतलब कौन रेजिस्टेंस उसके डायमेंशंस एल टू एम वन टी माइनस थ्री आई माइनस टू बी का मतलब कौन मैग्नेटिक इंडक्शन उसके डायमेंशंस यम वन टी माइनस टू आई माइनस वन वी मतलब पोटेंशियल पोटेंशियल के डायमेंशंस एल टू एम वन टी माइनस थ्री आई माइनस वन आता डायमेंशन्स पण लिहून दिलेत ईश्वर त्यामुळे इकडचं तिकडचं न घेता व्यवस्थित सॉल्व कर पहिली स्टेप अच्छे से करो बस क्वांटिटी की जगह पे उसके डायमेंशन्स पुट करना रेजिस्टेंस है कहाँ पे यहाँ पे हो म्हणजे इथं का ते ओरिजिनल डायमेन्शन्समध्ये एल थ्री लिहू का बरं रेजिस्टन्स के डायमेन्शन चेक करो कितने लोगों के डायमेन्शन्स में है ना टू है ना कितने लोगों के में थ्री है अभी सिद्धेश असं नको करून बेटा म्हणजे नोटबुकमध्ये चुकीचं लिहून घेतलं की मग सगळंच चुकलं आपलं बरोबर आहे ना सांगायचं बरं का पॉवर असं ऋतुजा ऋतुजा नाही विनया करेक्ट आलं पाहिजे बेटा तुझं व्हेरी गुड करेक्ट ईश्वर बडबड कमी कर अभ्यास जास्त कर
एल थ्री टी सिक्स आई सिक्स बर वेरी गुड आई वन टी सिक्स आई टू टी सिक्स आई थ्री टी सिक्स आई टू आई माइनस टू एंड टी जीरो वेरी गुड. मतलब सबके आंसर डिफरेंट है, ऐसे ही होना चाहिए. ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान दें. इप्सिलॉन नॉट की जगह पे उसके डायमेंशंस लिख देंगे, क्या बनेगा? एल माइनस थ्री एम माइनस वन टी फोर आई टू इंटू रेजिस्टेंस मतलब कौन, एल टू एम वन टी माइनस थ्री आई माइनस टू. डिनोमिनेटर में कौन है? बी. बी का मतलब कौन? एम वन टी माइनस टू आई माइनस वन. देन पोटेंशियल मतलब एल टू एम वन टी माइनस थ्री आई माइनस वन. यहाँ तक चेक करो करेक्ट है क्या सबका? वेरी गुड. म्हणजे बघून बघून हे लिहिताना मिस्टेक व्हायला नको, हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. कळालं ना? पुढचं होऊन जाईल सगळं काय असेल ते. अब यहाँ पे इसको सिम्प्लिफाय करना है. सिम्प्लिफिकेशन के लिए कसं करायचं? न्यूमरेटर सेपरेट, डिनोमिनेटर सेपरेट या डायरेक्ट? पहिले कट कट कुट कुट कर लो. ठीक है, एल टू एल टू एम वन एम वन टी माइनस थ्री टी माइनस थ्री कैंसल. क्या बचा सिर्फ यहाँ पे? एल माइनस थ्री. उसके बाद में यम देखो, ये प्लस वन ऊपर जाके माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू. उसके बाद में यहाँ पे टी माइनस टू है, ऊपर जाके प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्स आई माइनस वन आई माइनस वन कट. क्या बचेगा? सिर्फ आई टू. एल माइनस थ्री एम माइनस टू टी सिक्स आई टू. कितने लोगों के सेम है? हळू हळू सांगतो ना बेटा, ओरडू नको लगे. अरे एवढे लोकांचं करेक्ट आहे. व्हेरी गुड. संकेत काय गोळ केला? टी फोर आहे, सिक्स नाही आहेत का? म्हणजे तुझं काही इथं आन्सरमध्ये आय टू ही था, उसको थ्री लिख दिया था. ओके, संकेत कळालं तुला आय टू कसं आलं? बर, टी सिक्स सांगू परत एकदा कसं आलं सांगू. टी सिक्स संकेत देखो, यहाँ पे टी रेस टू फोर है, ये टी माइनस थ्री कट हो गया. अब डिनोमिनेटर में टी रेस टू माइनस टू है, ये ऊपर जाके क्या होता है? प्लस टू. पहले से फोर था, फोर प्लस टू सिक्स, इसलिए टी सिक्स है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. भोसले ये था कि नहीं? नेक्स्ट बड़बड़ नहीं रे. यप का मतलब कौन है? फोर्स. पी का मतलब है प्रेशर. इटा का मतलब कौन? आत्ता बघितलेला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. उसके बाद में एस. एस मतलब कौन? सरफेस टेंशन. चलो करो, पुट डायमेंशंस एंड कैलकुलेट करो. अब करेक्ट आना चाहिए. यस, सरफेस टेंशन. इंद्राणी येत आहे ना? करेक्ट सोडून तू. एल वन टी माइनस वन, बाकी सब कैंसिल हो गए. सापडत नाही का पटपट डायमेन्शन्स? एल वन टी माइनस वन. देखो ज्यांना सापडत नाही त्यांच्यासाठी मी लिहून पण देतो. फोर्स के डायमेन्शन्स क्या होते हैं? एल वन एम वन टी माइनस टू. प्रेशर के कौन है? L माइनस वन एम वन टी माइनस टू. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी L माइनस वन एम वन टी माइनस वन. सरफेस टेंशन एम वन टी माइनस टू. अब करो पुट एंड सॉल्व करो. क्या आ गया आंसर? चलो चेक करते फिर सबका आ गया आंसर. फोर्स के कौन है?
एल वन एम वन टी माइनस टू इंटू कौन है प्रेशर, प्रेशर में एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाई ईटा मतलब एल माइनस वन एम वन टी माइनस वन इंटू एस मतलब एम वन टी माइनस टू टी माइनस टू टी माइनस टू एल माइनस वन एल प्लस वन एम वन एम वन एम वन एम वन कट क्या बचा टी माइनस टू है टी माइनस वन है एल माइनस वन है यानी एल वन टी माइनस वन किसके डायमेंशन से ये वेरी गुड नहीं नहीं तुमसे नहीं है कौन से क्वांटिटी के डायमेंशन होते हैं ये एल वन टी माइनस वन स्पीड और वेलोसिटी दोनों की ठीक है किसके डायमेंशन एल वन टी माइनस वन मतलब अभी ऐसे कॉम्बिनेशन में डायमेंशन देंगे तो सबके आंसर्स आ रहे हैं किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ठीक है तो कंडीशन क्या है ये सब तो हो तो जाएगा लेकिन उसके लिए फॉर्मुले लर्न करने पड़ेंगे कारण आता ही तो मैं ब्रैकेट मध्ये लिहून दिले फॉर्मुले त्याच्यासमोर डायमेंशन्स म्हणून लगेच आंसर आले बट अगर डायमेंशन्स नाही होंगे तो नोटबुकमध्ये सापडत पण नाही पटापटा कळाल ना त्यामुळे फॉर्मुला डोक्यात पाहिजे वो फॉर्मुला आ गया तो हम वहाँ पे कैलकुलेट करके लिख सकते ठीक है अभी इसी को थोड़ा सा और सिंपल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा ईटा रेस टू टू एच रेस टू फोर जी स्क्वेयर सी स्क्वेयर हो गया एकदम सिंपल अब ईटा मतलब कौन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसके डायमेंशंस एल माइनस वन एम वन टी माइनस वन एच मतलब कौन प्लैंक्स कांस्टेंट एल टू एम वन टी माइनस वन जी मतलब कौन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एल थ्री एम माइनस वन टी माइनस टू सी मतलब कौन स्पीड एल वन टी माइनस वन हो गया नाउ पुट द वैल्यूज एंड डायमेंशंस कैलकुलेट करो यम डायरेक्ट एट टी कैंसल होता का मास इनटू हाइट यम एट वेरी गुड लेंथ टी जीरो सगले जीरो फक्त यम एट एल माइनस टू एम एट एल टू एम एट बर तुझं काय एल मायनस टू आहे एल मायनस टू एम एट ठीक आहे आगे सबके देखो क्या करना है स्क्वेअर करना है स्क्वेअर करते मतलब हम क्या करते पावर की पावर को मल्टीप्लाय करते मला वाटलं येणार नाही कोणाला सगळ्यांचे आन्सर आले असे कोण कोण बाकी अभि आन्सर आन्सर आहे नाही सॉल्व कर रहे करा मी वेट करतो आहे नाही सर तुझं पण आलं अरे क्रांती छोड़ो पटपट इंद्रायणी ऋतु साक्षी आय आंसर बोल एल सेवन एम सिक्स ठीक है देखो गलत आंसर हो गया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं गलत को हम करेक्ट करेंगे लेकिन आंसर आना दैट इज इम्पॉर्टंट यश काय आलं एल माइनस टू एम एट चलो बोर्ड पे ध्यान दो ईटा का स्क्वेयर है अनिकेत तो क्या करेंगे ईटा के डायमेंशन है उसकी पावर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा एल माइनस टू एम टू टी माइनस टू अब एच रेस टू फोर है एच के डायमेंशन को क्या करेंगे पावर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बनेगा 8 एम बनेगा 4 टी बनेगा माइनस 4 उसके बाद में डिवीजन में कौन है जी का स्क्वेयर है तो जी के स्क्वेयर में एल रेस टू बनेगा 6 एम रेस टू बनेगा माइनस 2 टी बनेगा माइनस 4 सी का भी स्क्वेयर है मतलब एल टू टी माइनस 2 यहाँ तक क्लियर है सबका
यहाँ तक ही क्लियर करना था, आगे गलत हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लेकिन ये करेक्ट चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 8 माइनस 2 6, यानी एल 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 कट, क्या बचा सिर्फ एल प्लस टू, ऊपर आके माइनस टू, उसके बाद टी माइनस टू कट, यम प्लस फोर नीचे के माइनस टू, ऊपर जाके प्लस टू, यानी एल माइनस टू एम एट, ये हो गया डायमेंशंस फॉर गिवन क्वांटिटी, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही है, बस कल आते टाइम कन्फर्म फॉर्मूले प्रिपेयर करके आओ, क्योंकि कल से अगर फॉर्मूले प्रिपेयर नहीं होंगे तो मुझे कुछ ना कुछ पनिशमेंट ढूंढनी पड़ेगी, खड़ा लेना।